उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने पेज नंबर 13 पे जो है क्वेश्चन नंबर एफ और जी करना है। यहाँ पर उन्होंने जो हमें एनिमल्स का नेम अंडरलाइन करने के लिए कहा है और यहाँ पर चीज़ों के ये सारे जो है वो नाउन से ही रेलिवेंट है, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने हमें कहा है सर्कल द नेम्स ऑफ एनिमल्स के जानवरों के नेम सर्किल करें। द ओल एंड द कैट वेंट आउट टू प्ले, ठीक है, इसमें कैट और ओल को सर्कल करेंगे। उसके बाद द लिटिल डॉग लाफ्ड एट द काउ, डॉग एंड काउ को। द नट फेल ऑन द हैन, हैन को। द बियर वाज स्लीपिंग इन द ट्री, बियर। द मंकी टुक अवे ऑल द कैप्स, मंकीज को हम लोग जो है वो अंडरलाइन करेंगे। द स्नेक लिव्ड इन अ होल अंडर ए ट्री, तो यहाँ पर स्नेक है हमारे पास एनिमल। उसके बाद द हेयर एंड अ टर्टाइज लिव्ड इन अ जंगल, जो हेयर है और टर्टाइज है वो एक जंगल में रहते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जो है वो सर्कल करेंगे। उसके बाद है जी पे सर्कल द नेम्स ऑफ थिंग्स, चीज़ों के नाम को हमें सर्कल करना है। स्पैरो, बैक, टाइगर, गॉड, तो ये है बैक। मदर, फादर, ब्रदर, टॉप, टॉप, प्लेटू। रैबिट, लाइन, पिजन, ये सारे एनिमल्स हैं। पेन जो है वो एक चीज़ का नाम है। स्कूल, पेन, मार्केट, लाइब्रेरी, तो इसमें जो है ये बाकी चीज़ें जो है वो एक प्लेस का नेम है, जगहों के नाम है। तो इसकी पेन जो है वो हमारे पास थिंग का नेम है। उसके बाद है टीचर, लॉयर, बेकर एंड बॉक्स, ये सारे आदमियों के नाम है, पर्सन्स के नेम है। तो बॉक्स जो है वो हमारे पास थिंग है। उसके बाद है जग, रैबिट, ईगल एंड फिश, ये एनिमल्स हैं और जग जो है वो हमारे पास थिंग है। तो हम लोग इसको जो है इस तरह अंडरलाइन करेंगे। ये आप लोगों की वर्किंग है, आप लोगों ने इसको बुक पर सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।